तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो वर्सेस डाविंची रिजॉल्व। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊं कि आपके लिए बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा और आप इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी डाउट में ना रहो। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि डाविंची रिजॉल्व और प्रीमियर प्रो दोनों ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दोनों यूज कर रहा हूं काफी सालों से, और अब तक मैंने दोनों ही एप्लीकेशंस में जो जो अच्छी चीजें जो जो बुरी चीजें देखी हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा और आप डिसाइड कर पाओगे कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमियर प्रो के प्रोज एंड कॉन्स की, मतलब फायदे और नुकसान की। तो सबसे पहला प्रो आता है, मैक्सिमम प्रोफेशनल्स इसी एप्लीकेशन को इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो इसका ये फायदा हो जाएगा कि अगर आप प्रीमियर प्रो के ऊपर एडिटिंग कर रहे हो और उसके बाद आपको वो प्रोजेक्ट किसी और को देना है, मतलब आगे किसी और एडिटर को देना है, तो आप दे सकते हो और वो आपके प्रोजेक्ट को प्रीमियर प्रो के अंदर ही आगे कंटिन्यू कर सकता है एडिटिंग के ऊपर। नेक्स्ट फायदे की बात करें तो मैक्सिमम लोगों ने ये बोला है कि प्रीमियर प्रो का जो इंटरफेस है वो ज्यादा एंगेजिंग है, ज्यादा इजी है सीखने के लिए। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हर एप्लीकेशन होता है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट धीरे धीरे जैसे आप सीखना शुरू कर दोगे तो आपको उस चीज की आदत लग जाएगी और बहुत आराम से आप एडिटिंग करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रीमियर प्रो एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है जिसका ये फायदा जाता है कि Adobe की पूरी एक फैमिली है जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो ज्यादा इंटीग्रेटेड है। अगर आप कोई एक काम प्रीमियर प्रो पे कर रहे हो तो आप उसी काम को ले जा सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में, उस पे काम करके वापस आप प्रीमियर प्रो पे आ सकते हो। अगर आपको ऑडियो में कुछ एडिटिंग करनी है तो आप प्रीमियर प्रो से Adobe ऑडिशन में जा सकते हो, वहां पे एडिटिंग करके वापस आप प्रीमियर प्रो में आ सकते हो। तो ये काफी अच्छा इंटीग्रेशन है जो आप Adobe के सॉफ्टवेयर्स में देख सकते हो। नेक्स्ट है, जब मैं प्रीमियर प्रो यूज करता हूं तो उसमें जो टाइमलाइन होती है तो टाइमलाइन को मैं जूम इन जूम आउट अपने ट्रैक पैड से ही कर लेता हूं। मुझे कीबोर्ड की और माउस की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली अपने ट्रैक पैड पे मैं जूम इन और जूम आउट कर सकता हूं। ये एक फायदा मुझे लगा प्रीमियर प्रो का। प्रीमियर प्रो ज्यादा कॉम्प्लेक्स एडिटिंग एप्लीकेशन नहीं है, ये पर्टिकुलर सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए बनाया, तो सिर्फ वीडियोज ही एडिट होती है इसके अंदर और कुछ नहीं होता। VFX, अगर आपको मोशन ग्राफिक्स का VFX का कुछ काम है तो आप स्विच कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में। तो आप इसको एक अच्छी चीज में भी काउंट कर सकते हो कि आप पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग के अंदर ही काम कर रहे हो। अब हम कौन से यानी नुकसान बात करें तो सबसे बड़ा कौन आता है कि ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आपको हर महीने इसके पैसे देने पड़ते हैं जो कि थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अगर आप एक महीने में 2000 भी दे रहे हो इस एप्लीकेशन के लिए तो आप पूरे साल में देख लो कितना 24000 देने पड़ रहे हैं। तो ये एक चीज है कि आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, और सिर्फ एक साल के 24000, मतलब अगर आपको और साल यूज करना है तो 24 करके पता नहीं कितने पैसे हमें देने पड़ जाएंगे इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। तो ये एक मुझे डाउन साइड लगी प्रीमियर प्रो की कि वन टाइम पेमेंट नहीं है, वो होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है, क्रैशेस, मतलब ये एप्लीकेशन इतना ज्यादा क्रैश हो जाता है, काफी बार तो ये हैंग हो जाता है, काफी बार ये क्रैश हो जाता है। तो पहले जब मैं इस पे काम करता था तो मैं अगर कोई हैवी टास्क कर रहा हूं, ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स ऐड कर दिए मैंने, अगर कलर ग्रेडिंग कर दी, बहुत सारी चीजें डाल दी इसके अंदर, और उसके बाद मैं कुछ और छोटी सी चीज करने जाता था तो ये एकदम क्रैश हो जाता था या फिर ये हैंग ही हो जाता था। और हैंग होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मुझे पूरा सिस्टम ही रिस्टार्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से मैंने जो काम किया हुआ था वो सारा का सारा खराब हो चुका था, तो मुझे दोबारा से वही एडिटिंग करनी पड़ती थी और मेरा काफी टाइम वेस्ट होता था। एक और चीज इसके अंदर, कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। एक इफेक्ट है वॉर्प स्टेबलाइजर, उसमें क्या होता है आप हिलती भी वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हो, मतलब सीधी कर सकते हो, तो उसमें कुछ ज्यादा टाइम ले जाता है। वहीं पे जो डाविंची रिजॉल्व है वो कम टाइम में एनालाइज करता है और जल्दी स्टेबलाइज करके दे देता है वीडियो। तो ये कुछ फायदे और नुकसान थे प्रीमियर प्रो के। अब हम बात कर लेते हैं डाविंची रिजॉल्व की। तो सबसे बड़ा फायदा आ जाता है डाविंची रिजॉल्व का कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है। ये फ्री सॉफ्टवेयर भी है, और अगर आपको स्टूडियो वर्जन चाहिए तो आप वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम पूरी जिंदगी के लिए वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगे, आपको कुछ अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैं बात करूं तो मुझे इसका यूजर इंटरफेस ज्यादा अच्छा लगा। हो सकता है मैंने प्रीमियर प्रो पहले सीख चुका था, मुझे सारी बेसिक एडिटिंग आ चुकी थी और उसके बाद मैं डाविंची के ऊपर गया था, तो हो सकता है कि मुझे पहले से ही सारी चीजें आती थी तो मुझे वो इंटरफेस ज्यादा अच्छा लगे। लेकिन इसका इंटरफेस ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसमें ज्यादा कलर्स यूज किए हैं, ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा पैनल्स हैं बट ऑर्गेनाइजेशन इनका अच्छा है। अगर हम कोई भी एडिटिंग कर रहे हैं तो हम फटाफट उसको कर सकते हैं, हमारे सामने सारी चीजें होती हैं तो हमें बार बार हर चीज ढूंढनी नहीं पड़ती प्रीमियर प्रो की तरह। बस एक छोटी सी बात बतानी, अब मैं डिस्कॉर्ड पे भी आ चुका हूं, हमारा कंट्रोल जी चैनल जो है वो डिस्कॉर्ड पे भी आ चुका है। अब वो मैंने चैनल इसलिए बनाया जिससे हमारी जो ग्राफिक डिजाइनिंग वाली कम्युनिटी है, जो वीडियो एडिटर्स वाली कम्युनिटी है, वो एक साथ मिलकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने डिजाइन को वहां पे शेयर कर सकते हैं और आइडियाज ले सकते हैं कि कैसे क्या चीज हम बना सकते हैं। और वहां पे मैं काफी चीजें बताने वाला हूं, कुछ सीक्रेट चीजें हैं जो मैं सिर्फ डिस्कॉर्ड पे ही बता पाऊंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा,
जाके क्लिक करो और ज्वाइन कर लो डिस्कॉर्ड चैनल। अब कंटिन्यू करते हैं कि हमें कोई भी इफेक्ट ऐड करना है या फिर कुछ भी ऐड करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें सर्च करना पड़े। उसके बाद हम इधर आए, यहाँ पे सामने ही होता है सब कुछ, इंस्पेक्टर एक पैनल है उसके अंदर सब कुछ होता है। हम फटाफट सारी चीजें ट्रांसफॉर्म करके आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हो। अब नेक्स्ट चीज में बात करूं, जैसे प्रीमियर प्रो में सारे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड थे, डाविंची रिजॉल्व के अंदर ही आपको सारी की सारी चीजें मिलती है। यहाँ पे आपको टोटल 7 पेज मिलते हैं जिसके अंदर मीडिया पेज होता है, कट पेज होता है, एडिट पेज होता है, फ्यूजन होता है, फेयर लाइट होता है, कलर पेज होता है और रेंडर पेज होता है, मतलब एक्सपोर्ट का पेज होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करके जा सकते हो और एंड में आप एक्सपोर्ट कर लो। जैसे कि आप जब एडिट कर रहे हो तो आप सिर्फ एडिटिंग के ऊपर ध्यान दोगे, अगर आप कलर ग्रेडिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ कलर ग्रेडिंग कलर करेक्शन के ऊपर ध्यान दोगे, अगर आप ऑडियो के ऊपर काम कर रहे हो तो सिर्फ आप ऑडियो के ऊपर काम करोगे, और फ्यूजन अगर आपको VFX के ऊपर काम करना है तो आप फ्यूजन के ऊपर काम कर सकते हो। ये सारी चीजें एक ही एप्लीकेशन के अंदर दी हुई है, जो कि एक अच्छी बात भी है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो अभी तक जितना भी मैंने डाविंची रिजॉल्व को यूज किया है, मैंने आज तक इसको क्रैश होते हुए नहीं देखा है। थोड़ा बहुत हैंग मैंने देखा है, बट आज तक मैंने क्रैश होते हुए इसको बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो एक बहुत बड़ी चीज है, यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने डाविंची रिजॉल्व स्टार्ट किया था। और सबसे बड़ी हाईलाइट डाविंची रिजॉल्व की है कलर पेज। कलर ग्रेडिंग इसमें बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल की होती है। आप एक नॉर्मल सी वीडियो को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव वीडियो बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ कलर ग्रेडिंग करके। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है डाविंची रिजॉल्व के पास। और ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर नोट बेस्ड एडिटिंग होती है, जिसका मतलब है आप मल्टीपल नोट्स बना सकते हो, आप अलग अलग नोट्स पे अलग अलग एडिटिंग कर सकते हो, जिसका ये फायदा हो जाता है कि अगर आपने कोई एडिटिंग पहले नोट पे करी है, फिर सेकंड नोट पे कुछ एडिटिंग करी है, फिर थर्ड नोट पे करी है, तो आप उन तीनों में से अगर आपको कोई डिलीट करनी, मतलब कोई एक चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप सिंपली वो नोट डिलीट कर दो, बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये काफी अच्छी चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज है जिसमें आप डीप में एडिटिंग कर सकते हो। अगर हम बात करें नुकसान की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, काफी इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, 80% फीचर्स मिलते हैं, लेकिन जो 20% फीचर्स हैं, काफी बार ऐसा हो जाता है कि हमें उनका भी काम होता है लेकिन हम उनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसके लिए पे नहीं किया। अब पे करने के लिए आपको सीधा 27,000 देने पड़ेंगे डाविंची रिजॉल्व को खरीदने के लिए, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है एक बार में देने के लिए, तो मेरे हिसाब से ये कॉन में काउंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो टाइमलाइन के अंदर आप ट्रैक पैड से जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते हो, आपको कीबोर्ड और माउस का यूज करना पड़ेगा, जो कि मुझे एक अच्छी चीज नहीं लगी, जिसकी वजह से मेरे को ज्यादा टाइम लगता है। वहीं पे अगर मैं ट्रैक पैड यूज करके जूम इन जूम आउट करूंगा तो कम टाइम लगेगा, और अगर मैं कीबोर्ड और माउस यूज करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स वीडियो एडिटिंग ऐप है। इसमें बहुत सारे आपको पैनल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसकी वजह से आपको डुअल स्क्रीन पे स्विच करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक ही स्क्रीन पे सारी चीजें यूज करोगे ना तो आपका वर्किंग एरिया छोटा हो जाता है। चीजें आपको सारी दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बट वर्किंग एरिया जब छोटा हो जाता है ना तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हमें एडिटिंग में आ जाती हैं। अगर आप डुअल स्क्रीन ले लोगे तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, ये हो सकता है, लेकिन दूसरी स्क्रीन खरीदने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, तो वो एक डाउनसाइड हो जाता है। तो ये कुछ फायदे और नुकसान थे डाविंची रिजॉल्व के। और अगर मैं दोनों के नुकसान की बात करूं तो ये दोनों ही एप्लीकेशन कैश फाइल्स बहुत ज्यादा इकट्ठा करती है, और काफी टाइम तक हमें पता भी नहीं होता कि वो कौन सा फोल्डर है, कहां पे बहुत सारी फाइल्स स्टोर हो रही हैं, तो हमारी स्टोरेज बढ़ती जाती है और हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो होने लग जाता है। तो ये दोनों के नुकसान है, बट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर होता है। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो मैंने खुद का ही लाइव वीडियो एडिटिंग कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और अगर 1 अक्टूबर निकल चुकी है मतलब वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करो और वहां पे हम हर चीज डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपकी बेस्ट टाइमिंग कौन सी रखनी है, आपके चार्जेस कितने रहेंगे, अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग से लेकर हाई एंड मतलब प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग तक सिखाऊंगा, और आपको मैं ऑनलाइन अर्निंग टेक्निक्स भी सिखाऊंगा जिससे आप आराम से एडिटिंग करके अर्न भी कर सकते हो। अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, प्रीमियर प्रो वर्सेस डाविंची रिजॉल्व। अब सिंपल सी चीज आपको मैं बताऊं तो दोनों ही एप्लीकेशन बहुत अच्छे हैं। आप एक चीज कर सकते हो कि दोनों एप्लीकेशन पहले इंस्टॉल कर लो, दोनों को यूज करके देखो आपको कौन सा ज्यादा सही लग रहा है। अब आप बोलोगे कि प्रीमियर प्रो तो फ्री नहीं है, आपको प्रीमियर प्रो का 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, तो आप उसको इंस्टॉल करके देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो 7 दिन काफी होते हैं ये जज करने के लिए कि आपके लिए कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट है, किसका इंटरफेस आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन कम क्रैश हो रही है, किसमें ज्यादा फीचर्स हैं, कौन सी एप्लीकेशन आप जल्दी सीख जा रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप एनालाइज कर सकते हो खुद इंस्टॉल करके। बट फिर भी आप चाहते हो कि मैं एक एप्लीकेशन बताऊं, तो अगर आप बिगनर हो तो डाविंची रिजॉल्व को सीखो, क्योंकि वो फ्री है। तो फ्री का ये फायदा हो जाता है कि आपको पैसे नहीं लगाने। आप डाविंची रिजॉल्व सीखो, आप मेरे कोर्स के साथ भी सीख सकते हो, या आपको कहीं और से सीखना है तो आप वो भी सीख सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी। अब बाय।